हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, बज चुके हैं रात के 9 और आज 9 बजे हम लोग करेंगे कुछ धमाल। धमाल इन द सेंस, आज हम लोग ख़त्म कर देंगे क्यूब्स को, 1 to 100 क्यूब्स। इसके बाद आप लोग कोई भी इजिली आप लोगों से पूछे, इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा चुके हैं इस वीडियो के और आज है तीसरा पार्ट। और ये पार्ट्स मैं जानबूझ करके छोटे छोटे टाइम्स में लेकर आ रहा हूँ, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करा है मैंने, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे किसी पार्ट में। आज हम उन नंबर्स का क्यूब निकालेंगे जिन नंबर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। पहली कैटेगरी जहाँ पे नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सेकंड कैटेगरी जहाँ पे नंबर 1 से एंड होता है, और थर्ड कैटेगरी जहाँ पर सेम नंबर होते हैं। तो फोर्थ कैटेगरी में वो नंबर्स आ गए जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं होते हैं। तो आज की क्लास को करने के लिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। एज्यूम करिए हमें निकालना है 23 का क्यूब। चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एज्यूम करिए हमें निकालना है 23 का क्यूब। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे 23 का क्यूब। ये 2 को अलग कर लो और 3 को अलग कर लो। तो सबसे पहले 2 का क्यूब लिख दो 8, क्लियर। 3 का क्यूब क्या होता है 27, यहाँ पे लिख दिया 27। अब हमें यूज़ करना है ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए। इस 2 को मैंने मान लिया ए और बी को मैंने मान लिया 3। ए स्क्वायर बी यानी 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यहाँ पे आया 12। बी स्क्वायर ए, 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18। अब सेम करना है, इस 12 का डबल कर दो 24, 18 का डबल कर दिया 36। अब इसको लिख दो 27, 36 और 18 कितना हो गया 36, 8 44 10 54, 24 और 12 हो गया हमारा 36 और ये हो गया 8। यहाँ से 7 ले लिया मैंने, लिख दिया, ये 2 ऐड कर दिया मैंने, तो 54 और 2 कितना हो गया 56, 56 का मैंने 6 ले लिया, ये बचा हुआ 5 यहाँ लिख दिया, 36 और 5 41, 41 का 1 लिखा और ये 4 यहाँ पर आ गया। तो 8 और 4 कितने हो गए स्टूडेंट्स 12। तो 23 का क्यूब क्या निकल कर आया 12167, क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए एज्यूम करते हैं हमें निकालना है 38 का क्यूब, क्लियर। तो क्या स्टेप्स बताए थे मैंने आपको, देखो सबसे पहले लिखते हैं ए का क्यूब, लास्ट में लिखते हैं बी का क्यूब, ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, क्लियर। ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं हमारे, तो इसी स्टेप्स को फॉलो करके हम इसका क्यूब भी निकालेंगे। देखो 3 को मैंने ए मान लिया और 8 को मैंने बी मान लिया, ए का क्यूब यानी 3 का क्यूब क्या हो गया 3 × 3 = 9 = 27, और बी का क्यूब यानी 8 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 512। ए स्क्वायर बी, 3 × 3 = 9 = 9 = 72, और बी स्क्वायर ए, 8 × 8 = 64 और 64 × 3 कितना हो जाएगा 64 × 3 हो जाएगा स्टूडेंट 3 × 6 = 12 का 2, 3 × 6 = 18 और 1 = 19, यानी 192, क्लियर। अब इस 72 का डबल कर दो 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14 = 144, 2 × 2 = 4, 2 × 18 = 8, 2 × 1 = 3, 384। अब ऐड कर दो इन सभी को 512, 4 × 2 = 6, 9 × 8 = 17 = 7, 3 × 4 = 5, 576। 4 × 2 = 6, 7 × 4 = 1, 1 × 1 = 2, ये कितना हो गया 216 और ये एज इट इज़ लिख दिया मैंने 27। यहाँ से मैंने 2 ले लिया, ये 51 मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, 6 × 1 = 7, 7 × 5 = 12 का 2, 5 × 1 = 6, कितना हो गया 627, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 और ये 62 मैंने यहाँ ऐड कर दिया, 6 × 2 = 8, 6 × 1 = 7 और 2, ये 8 यहाँ लिख दिया बचा हुआ और 27 यहाँ ऐड कर दूंगा, तो 27 और 27 कितना हो जाता है 54 हो जाएगा, तो ये 54 मैंने यहाँ लिख दिया। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 54872, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, 64 का क्यूब, क्लियर। सेम मेथड यूज़ करेंगे, इस बार मैं ए और बी की फॉर्म में नहीं तोड़ूंगा, आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा, क्लियर। ए का क्यूब यानी 6 का क्यूब क्या हो गया 216, ए स्क्वायर बी, 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 = 36 हो गया और 36 × 4 कितना हो गया 36 का डबल 72 और 72 का डबल हो गया 144, क्लियर।
अब बी स्क्वायर ए, चार चौक 16, 16 छिंग 96, क्लियर। और 4 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 64। इतना क्लियर है। चलिए अब अगले स्टेप्स देखते हैं, इसको डबल कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 छिंग 12 का 2, 2 नीम 18 और 1 19, कितना हो गया 192। इन सभी को ऐड कर दो, ये हो गया 64, 6 और 2 8, 9 9 18 का 8, 1 और 1 2, 288, 8 4 12 का 2, 8 4 12 और 1 13 का 3, 2 1 3 और 1 4, 432, ये हो गया 216, क्लियर। अब ये वाला 4 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये 6 यहाँ ऐड कर दिया, ये हो गया 294, यहाँ से ले लिया मैंने 4, बचा हुआ 29 यहाँ ऐड कर दिया, 9 2 11 का 1, 3 2 5 और 1 6 और 4, कितना हो गया 461, ये 1 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये बचा हुआ 46 मैंने यहाँ लिख दिया, 6 6 12 का 2, 4 1 5 और 1 6 और 2, तो कितना हो गया ये 262144, ये 64 का क्यूब हो गया, क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए अब आज की क्लास का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर एज्यूम करते हैं हमें निकालना है 93 का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या होता है 729, ए स्क्वायर बी, 9 का स्क्वायर 81, 81 गुणा 3, 3 1 कम 3, 3 8 24, 243, क्लियर। अब इसी तरीके से बी स्क्वायर ए निकालना है, बी स्क्वायर ए क्या हो गया 3 3 9, और 9 की 9 से गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा 81, क्लियर। और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 27। अब इसको डबल कर दो, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 27 यहाँ लिख दिया मैंने, 2 और 1 3, 8 6 14 का 4, 1 और 1 2, कितना हो गया 243, 6 3 9, 8 4 12 का 2, 4 2 6 और 1 7, ये कितना हो गया 729, और यहाँ पर भी 729 है, क्लियर। ये वाला 7 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये 2 ऐड करा तो ये कितना हो गया 245, यहाँ से 5 मैंने लिख दिया यहाँ पर, बचा हुआ 24 यहाँ पर आ गया, 9 4 13 का 3, 2 2 4 और 1 5 और 7, ये कितना हो गया 753, ये वाला 3 यहाँ लिख दिया मैंने, और इस 75 को ऐड कर दो, 9 5 14 का 4, 7 2 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, और ये पूरा 804 मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो यानी 93 का क्यूब क्या निकल कर आया 804357, क्लियर। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अब 1 to 100 क्यूब निकालने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जितने स्टूडेंट मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, मतलब जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इस क्यूब वाली क्लास के 2 पार्ट और हैं, 1 to 100 क्यूब पार्ट 1 एंड 1 to 100 क्यूब पार्ट 2, तो आप उन दोनों क्लासेस को भी ज़रूर देखिएगा, और आप लोगों को अब मुझे नहीं लगता क्यूब में कभी भी कोई दिक्कत आने वाली है। तो स्टूडेंट कल की क्लास में मिलते हैं, और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट निकालने के तरीके, क्लियर स्टूडेंट्स। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरे ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, और अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने यूज़र्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे।